हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज हम लोग यूपीपीएससी यूपीएससी मींस 2019 का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम एथिक्स कर रहे हैं जीएस पेपर 4। तो आज का टॉपिक है हमारा सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, मींस यहाँ पर है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। जो लोक सेवक बनने जा रहे हैं हम लोग, जो एस्पिरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, उनके अंदर एथिक्स के पेपर के थ्रू जो हमारा प्रशासन है वो समर्पण भाव उत्पन्न करना चाहता है। तो इसीलिए जॉब में जाने से पहले वो हम लोगों का इसीलिए टेस्ट लेना चाहता है कि आप लोगों के अंदर अपने वर्क के प्रति, अपने काम के प्रति कितना डेडिकेशन है। इसके लिए ही ये पेपर, ये टॉपिक हमारे से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, किसके क्या क्या सब टॉपिक होंगे वो हम आगे देखेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वस्तुनिष्ठा मीन्स ऑब्जेक्टिविटी, उसके जो पीडीएफ है उसका, वो मैंने अभी टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज में डाला नहीं है। आज मैं वो इस वीडियो के अपलोड होते ही वो पीडीएफ डाल दूंगी और इसका पीडीएफ भी डाल दूंगी। दोनों पीडीएफ साथ में मैं आज डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं इजीली। और ये जो पीडीएफ है ये मिलेगा हमारे सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे रहता है, तो आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हर एक वीडियो की पीडीएफ आपको वहीं पर ही मिलेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज को ज्वाइन कीजिए। और जो व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लोगों तक पहुँचाइए जितना ज़्यादा हो सके आपसे उतना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, ये हमारा पूरा प्रॉपर टॉपिक है और इसके अंदर हम सब टॉपिक क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सिलेबस है। तो वस्तुनिष्ठता हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, आज हम करेंगे सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। फिर हमारा सिर्फ तीन टॉपिक रह जाएगा, कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। तो ये तीन टॉपिक मैं आज और या तो कल में, कल लास्ट है, कल के बाद ये टॉपिक नहीं चलेगा, फिर मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगी एथिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें डेडिकेशन क्या होता है, डेडिकेशन का मीनिंग क्या है, और अगर कोई लोक सेवक डेडिकेटेड है या फिर डेडिकेशन के लक्षण क्या होते हैं, ऐसा कौन सा काम होना चाहिए जिससे ये पता चले कि डेडिकेशन है काम के प्रति, किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या फिर सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर किसी काम के प्रति कैसा डेडिकेशन है, वो हम यहाँ देखेंगे। थर्ड पॉइंट हम इसके बारे में बात करेंगे कि महत्व क्या है इसका, डेडिकेशन का एक लोक प्रशासन में, पब्लिक सर्विसेज में महत्व क्या होता है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया जाए, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे हमने ऑब्जेक्टिविटी में देखा था कि चयन प्रक्रिया में इसका इसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, चयन प्रक्रिया के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डेडिकेशन का अर्थ क्या होता है। तो किसी व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की ऊंची तीव्रता वाली मनस्थिति होती है डेडिकेशन। डेडिकेशन को जैसे आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे, समर्पण। समर्पण माने अपने को किसी चीज़ के प्रति व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्य के लिए समर्पित कर देना, अपने पूरे दिलो जान से वो काम करना, अगर कॉमन शब्दों में बात की जाए तो। कोई भी काम मन लगा के ऐसे करना ताकि हम अपना उसमें पूरा 100% दे सके। जैसे कि आप लोग एस्पिरेंट हैं, यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं पीसीएस मेंस की। अब यहाँ आप जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं या जो भी आप अपनी पर्सनल पढ़ाई कर रहे हैं, ये पूरे 100% डेडिकेशन से कर रहे हैं। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो आप पीसीएस नहीं बन सकते। तो डेडिकेशन पीसीएस बनने से पहले भी चाहिए होता है और पीसीएस बनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो डेडिकेशन का मतलब नॉर्मल शब्दों में तो आप समझ चुके होंगे कि किसी भी काम को दिलो जान से करना या चाहना, उस चीज़ को डेडिकेशन कहलाता है। लेकिन अगर हम थियोरटिकल बात करें कॉपी में कैसे लिखा जाएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे किसी व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की ऊंची तीव्रता वाली मनस्थिति होती है, और यही मनस्थिति उद्देश्य के प्रति तीव्र भावनाएं पैदा करती हैं। जैसे कि आपका उद्देश्य है एक पीसीएस ऑफिसर बनना, तो ये आपकी जो मनस्थिति है उस उद्देश्य के प्रति, ये आपके अंदर भावनाएं पैदा करेंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे टाइम स्पेंड करूँ, जो कि व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं, ताकि
इससे आपका व्यवहार नियंत्रित हो जाता है, आपका फेसबुक नियंत्रित हो जाता है, व्हाट्सएप नियंत्रित हो जाता है और आप ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करते हैं इसमें। तो ये सारा काम डेडिकेशन के कारण ही होता है। तो थियोरेटिकल वे में कॉपी में लिखने के लिहाज से आप ये लाइंस वहाँ लिखेंगे, बाकी आप मेंटली समझ चुके होंगे कि डेडिकेशन होता क्या है किसी काम के प्रति। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो आप PCS ऑफिसर नहीं बन सकते, ये प्रूफ हो चुका है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। बट इसमें जो डेडिकेशन शब्द है ये ब्रिटिश काल से ही चल रहा हुआ आ रहा है, मतलब कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था उन्होंने जो सिविल सेवा बनाई थी उसमें जो अभिजात वर्ग थे या रूढ़िवादिता थी, इसमें ब्रिटिश सरकार के प्रति वो निष्ठा रखती थी, वो चाहती थी कि वो पूरे डेडिकेशन से काम करे ब्रिटिश सरकार के प्रति वो जनता, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोक सेवक ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रतिबद्ध हो सके। भारत के कल्याणकारी राज्य बनने के बाद ऐसे सिविल सेवकों की ज़रूरत पड़ने लगी जो कि राष्ट्र के विकास और जन कल्याण में एक सक्रिय एजेंट के रूप में भूमिका निभाएं। और अगर कोई लोक सेवक अपने काम के प्रति डेडिकेट नहीं है तो फिर उस जो पूरी हमारी मैं बात करूँ जैसे प्रशासन हो गई, अब उस प्रारूप वो ढांचा जो है बिल्कुल चरमरा जाएगा, बिल्कुल भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, वंचित वर्गों को जिस चीज़ की ज़रूरत है नीतियों और निर्देशों की, वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा अगर किसी भी लोक सेवक के अंदर डेडिकेशन की भावना नहीं है। तो आप सभी PCS बनने जा रहे हैं तो आप अपने अंदर ये रखिए कि हमें अपने अंदर डेडिकेशन लेकर आना है। और ये डेडिकेशन जो वर्ड है आपके इंटरव्यू के टाइम में भी काम आएगा। तो इस चीज़ को अपने गांठ बांध कर रखिए कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं सिर्फ मेंस पेपर देने के लिए नहीं, आपको इंटरव्यू में भी ये सब चीज़ें तैयार करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेडिकेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो बहुत ही मेन लक्षण है पहला, काम को 9 से 6 की नौकरी न समझना। आजकल लोग पैसे कमाने के लिए और 9 से 6 नौकरी करने के लिए ही काम करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए हमारे पास। तो डेडिकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ होता है कि काम को 9 से 6 की नौकरी ना समझना, बल्कि जब भी ज़रूरत हो तो उत्साहपूर्वक उससे पहले और बाद में भी काम करना। आप लोगों ने कुछ कुछ लोगों को देखा होगा कि टाइम ओवर होने के बाद भी वो लगे रहते हैं अपने काम में जब तक उनका काम ख़त्म नहीं होता, इसी को हम डेडिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग रात को भी 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक पढ़ाई करते हैं, तो ये आपका डेडिकेशन कहा जाएगा। इसमें आपको ये लिमिटेशन नहीं होगी कि मुझे 9 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है, मुझे 12 घंटे पढ़ना है। जब तक मेरा मन लग रहा है, जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो रहा तब तक मुझे पढ़ना है, तो इसे डेडिकेशन कहते हैं। तो यहाँ हम एक जॉब से रिलेटेड अगर बात करेंगे लोक सेवक की जॉब से, तो यहाँ पर 9 से 6 की नौकरी ना समझकर जब भी ज़रूरत हो, अगर आपातकाल स्थिति में भी आप लोगों को बुलाना हो तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से टाइम से पहुँच जाएं। तो इसे कहते हैं डेडिकेशन, ये है डेडिकेशन के लक्षण। नेक्स्ट है वंचित वर्गों की सहायता में गहरा संतोष महसूस करना। अगर आप किसी ऐसे वर्ग की सहायता कर रहे हैं जिसको सहायता की ज़रूरत है, तो अगर आप उसकी सहायता कर रहे हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल की भावना आएगी, आपके अंदर संतोष, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन की भावना आती है, तो उसे डेडिकेशन कहते हैं कि हमने अपना काम 100% किया और हम अपने काम से सेटिस्फाई हैं, तो उसे डेडिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करना। अपने अधिकारों को इस तरह प्रयोग करना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संसाधन है वो उन वर्गों पे खर्च हो जिनकी उनको अधिकतम ज़रूरत है, उससे हम डेडिकेशन कहते हैं। ये नहीं कि अपने लाभ के लिए किसी को भी सहायता दे देना, जिसको ज़रूरत ना हो उसको भी दे देना, सिर्फ हमारा एक पर्सनली लाभ या सोशल हमारा गेन हो रहा है उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डेडिकेशन का मतलब यही कि जो हमें अधिकार प्राप्त हैं उस अधिकारों का हम प्रयोग उन लोगों के लिए करें जिनको उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियमों से अधिक सकारात्मक परिणाम पर ध्यान देना। इसके अंदर आता है जैसे कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवाएं लेने के लिए औपचारिकताएं बहुत सारी होती है, सरकारी सेवा अगर कोई लेना चाहता है तो अगर वो पूरी नहीं कर पा रहा है
तो आगे बढ़कर उसकी उसमें सहायता करना। आजकल कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर ऐसा नहीं रह गया है जो आगे बढ़कर आपकी सहायता करे अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो। लेकिन डेडिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपना काम कर रहे हो, अगर उस काम में आपको दिखाई दे रहा है कि सामने वाला पर्सन थोड़ा सा परेशान है, वो औपचारिकताएँ पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसकी सहायता करना। और अगर अधिकार क्षेत्र में आपके हो तो उस औपचारिकताओं में थोड़ी सी ढील भी दे देनी चाहिए। बट इसमें ये चीज़ देखा गया है कि नियमों से ज़्यादा अगर आपके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करने से या उसमें ढील देने से किसी एक व्यक्ति का फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ वो चीज़ की जा सकती है। इस लाइन का मतलब यही है कि नियमों से अधिक हमें रूल्स रेगुलेशन तो ध्यान रखने ही है। ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल रूल रेगुलेशन ध्यान नहीं देना है, बट अगर उस रूल्स रेगुलेशन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करें या थोड़ी सी ढील दें उसमें और किसी व्यक्ति को उससे सकारात्मक परिणाम मिल जाए, वंचित वर्ग को या किसी भी आम आदमी को, तो उस पे ज़्यादा ध्यान देना ही डेडिकेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे महत्व की इसके। इसका जो सबके महत्व चले आ रहे हैं, जैसे हमने ऑब्जेक्टिविटी पढ़ी थी, हमने पढ़ा है निष्पक्षता, हमने पढ़ा है सत्यनिष्ठा, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी सबका महत्व एक ही होता है। तो आप सब में एक ही चीज़ लिख सकते हैं, लैंग्वेज में आप चेंज करेंगे थोड़ा सा, तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे कि पहला, लोक कल्याणकारी राज्य और सुशासन की स्थापना। अगर किसी लोक सेवक में या पूरे प्रशासन में यहाँ पर समर्पण का भाव है तो फिर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सुशासन अपने आप ही स्थापित हो जाएगा, किसी को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकहित का संरक्षण और संवर्धन का प्रयास, यहाँ एक प्रत्येक व्यक्ति का एक हित होता है, उसका संरक्षण करना होता है, उसका संवर्धन करना होता है। अगर किसी लोक सेवक की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाता है तो फिर लोकहित का अपने आप ही संरक्षण संभव हो जाता है। यहाँ पर जन सहभागिता में वृद्धि, इससे नीचे वाला जो पॉइंट है, आम जनता का पूर्ण विश्वास। अगर कोई लोक सेवक, पहले मैं ये समझा दूँ फिर ऊपर वाला समझाऊंगी, अगर किसी लोक सेवक के अंदर अपने काम के प्रति पूर्ण डेडिकेशन है तो पूरी आम जनता जो उसके कार्य क्षेत्र के अंदर आती है तो उस पर पूरा विश्वास करने लगती है। और अगर वो पूरा विश्वास करेगी तो इससे ऊपर वाला पॉइंट हम लिखेंगे, जन सहभागिता में वृद्धि। अगर वो विश्वास करेगी तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रशासन में देने की कोशिश करेगी, जिससे पूरा प्रशासन का जो नियंत्रण है सुचारू रूप से काम करने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीतियों के क्रियान्वयन। नीतियों का क्रियान्वयन उचित तरीके से हो सकता है। अगर कोई डेडिकेटेड व्यक्ति है, पूरा प्रशासन है, तो जो भी नीतियाँ निर्देश बनाए जाते हैं उसका क्रियान्वयन वो पूरे लेवल पे इक्वेलिटी से करेगा, ऊंचा नीचा ध्यान नहीं देके वो अपने कार्य के प्रति निष्पक्ष रहेगा, भेदभाव रहित रहेगा। लास्ट पॉइंट, वंचित वर्गों को विशेष सहायता। इसमें जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो भी निर्देश दिए जाते हैं, वो वंचित वर्गों को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। तो अगर अपना काम डेडिकेशन से या समर्पण भाव से किया जाएगा तो जो नीतियाँ जिसके लिए बनाई गई हैं वो उसी को फायदा पहुँचाएंगी। तो अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जा सकता है जिसकी उन संसाधनों को ज़रूरत है। तो यहाँ ये महत्व क्लियर होते हैं, और भी आप इसमें दो चार महत्व ज्वाइन कर सकते हैं। अगर डेडिकेशन बढ़ाने की बात हम करते हैं तो यहाँ पर आपको उचित प्रशिक्षण देना, समय समय पर प्रशिक्षण, जैसे साल 6 महीने पर प्रशिक्षण देना, चयन प्रक्रिया में डेडिकेशन को सम्मिलित करना, और ऐसे इंटरव्यू में इस टाइप का क्वेश्चनिंग होनी चाहिए ताकि सामने वाले के नज़रिए का पता लगे कि उसके अंदर डेडिकेशन की भावना कितनी है। ऐसे ही डेडिकेशन के लिए यहाँ पर पुरस्कार दिए जा सकते हैं। जो अपने काम के प्रति डेडिकेशन नहीं दिखाता है उसको हतोत्साहित किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो डेडिकेशन एक बहुत ही इजी और सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं। तो होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरी मोटिवेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मैं नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने आऊँगी, और होप आज शाम तक ही नई वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।